Hey guys, welcome back to another fresh video of Gadget Junction. गाइज डू यू नो एंड्रॉय टी वी में हमें कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शनस मिल जाते हैं हम थीम्स बैकग्राउंड टेक्स्ट आईकॉन काफ़ी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं एंड्रॉयड टी वी पर बट थिंग इस एंड्रॉयड टी वी में जो अभी हमें लॉन्चर देखने को मिलता है वो काफ़ी लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है ऐसे में हम न्यू लॉन्चर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं एंड्रॉयड टी वी पर जिसमें हमें वेदर फोरकास्ट प्रोफाइल मैनेजमेंट ऐप लॉकर जैसे काफ़ी सारे न्यू फ़ीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाते हैं मैन लॉन्चर्स को काफ़ी टाइम से ट्राई आउट कर रहा हूँ एंड हियर आर टॉप फाइव लॉन्चर्स जो आप अपने टी पर ट्राई आउट कर सकते हैं बेस्ट थिंग अबाउट दीज लॉन्चर इज कि ये कम्प्लीटली रिमोट सपोर्ट से कंपेटेबल है सो so आप अपने टी रिमोट से आराम से इन्हें पर्सनलाइज भी कर सकते हैं सो so चलिए जानते हैं ऐसे कुछ लॉन्चर्स के बारे में जो आपके टीवी के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे ये लॉन्चर हैविली इंस्पायर्ड है विंडोज टाइल से इस लॉन्चर में हमें हर एक ऐप टाइल के फॉर्म में देखने के लिए मिलती है हम इस लॉन्चर में हर एक ऐप को टाइल के फॉर्म में अरेंज करने के साथ क्विक एक्शन और विकेट को भी यूज कर सकते हैं टाइल का सबसे मेजर एडवांटेज होता है कि हम मेमोरी यूसेज स्टोरेज और ऐप अपडेट जैसी इंफॉर्मेशन एट अ गांस चेक कर पाते हैं इस लॉन्चर में हमें मल्टीपल विगेट्स को होम स्क्रीन पर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कैलेंडर स्टोरेज सेंस जैसे कई सारे विगेट्स को हम डायरेक्टली होम स्क्रीन से यूज कर पाते हैं वट आई लाइक इस एप्स को डिफरेंट कैटेगरी में हमें इसमें ग्रुप करने का ऑप्शन भी मिल जाता है इसी के साथ हम इन डेप्थ कस्टमाइजेशन से टाइल साइज आईकॉन इनफैक्ट टेक्स साइज़ को भी कस्टमाइज कर पाते हैं मैंने इस लॉन्चर में व्हाइट पैक आइकॉन को इंस्टॉल कराया है जिससे हमें सेम टाइप के आइकॉन देखने को मिलते हैं ऑल ओवर दी लॉन्चर में इस आईकॉन पैक में हमें काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरी के आईकॉन पैक करने के लिए मिल जाते हैं जो लॉन्चर को काफ़ी क्लीन लुक देने में काम आते हैं इतना ही नहीं हम इस लॉन्चर में टाइल्स के टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए मल्टीपल फोन बोल्ड इटैलिक और डिफरेंट टाइप फेस को भी डाउनलोड करके यूज कर पाते हैं बैकग्राउंड पर्सनलाइजेशन के लिए हमें वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन तो मिलता ही है साथ ही हमें बैकग्राउंड इफेक्ट पिक करने के लिए ब्लर्ड ट्रांसपेरेंट ग्रे स्किल जैसे डिफरेंट मोड पर स्विच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है इस लॉन्चर से हम एप्स को हाइड करना लॉक करना कैटेगरी वाइज लेबल करने जैसे काफ़ी सारे फीचर्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं अब यदि आप इस लॉन्चर को टीवी पर सेटअप करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से स्टेप बाय स्टेप गाइड को चेकआउट कर सकते हैं अभी के टाइम पर एंड्रॉयड टीवी का जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड अप हो चुका है ऐसे में साइड लोड लॉन्चर थ्री काफ़ी काम आता है इस लॉन्चर में हमें क्लटर्ड फ्री डिज़ाइन ऐप पर्सनलाइजेशन और विकेट ऐड करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हम हर एक ऐप के टाइल को एडिट करके उसका नेम आइकॉन साइज को चेंज करने के साथ डिफरेंट सोर्सेस से आइकॉन को भी पिक कर सकते हैं हमें टाइल की इमेज को कस्टम वॉलपेपर पे पर सेट करके रिप्लेस करने का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड इवन दैट्स नॉट इट हम हर एक ऐप के टाइल का डिफरेंट टाइप और स्टाइल के आइकॉन को इन पैक से भी पिक कर सकते हैं जिससे टाइल को कस्टमाइज करना और भी आसान हो जाता है अनाथ ग्रेट थिंग अबाउट दिस लॉन्चर इज कि हमें इसमें मल्टीपल प्रोफाइल और पेरेंटल लॉक जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जिससे हम इजिली होम स्क्रीन पे ऐप्स को लॉक करने के साथ डिफरेंट प्रोफाइल पर स्विच कर पाते हैं रेडिट यूजर्स के लिए ये लॉन्चर काफ़ी काम का है हम इस लॉन्चर में होम स्क्रीन पर फेवरेट सब रेडिट पोस्ट को ऐड करने का ऑप्शन तो मिलता ही है साथ ही हम होम स्क्रीन से एट अग्लांस इंटरेस्टिंग पोस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन की बात करें तो हम इसमें मल्टीपल वॉलपेपर सेलेक्ट करके होम स्क्रीन पर रोटेशन मोड में सेट कर सकते हैं इन एवरी टेन ट्वेंटी मिनट वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होकर सिलेक्टेड वॉलपेपर कलेक्शन में से पिक हो जाते हैं इसी के साथ हम टेक्स्ट कलर स्पेसिंग और फोन जैसे काफी सारे डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं बेस्ट थिंग अबाउट दिस लॉन्चर इज यदि आप अपने डिफॉल्ट लॉन्चर से इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली हम लॉन्च ऑन बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हैं टीवी स्टार्ट होने के बाद सो so यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है देन आई वुड रियली अप्रिशिएट यदि आप इस वीडियो को लाइक कर सके और चैनल को सब्सक्राइब कर पाए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉन्चर इज उगोस लॉन्चर कैसे लॉन्चर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है गेमिंग कंसोल से इस लॉन्चर में हमें एप्स को डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस करने का ऑप्शन मिलता है जिससे एप्स को फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाता है इजीनेस के लिए हम कस्टम कैटेगरीज को भी क्रिएट कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन के लिए हमें इस लॉन्चर में लेआउट रोज कॉलम्स बॉर्डर को चेंज करने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसी के साथ हम बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कस्टम वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं And what I like most is, कि हमें इसमें काफी सारी कूल थीम्स को को करने का मिल जाता है, जिससे हम किसी भी डाउनलोड करके सेटअप कर पाते हैं। इन थीम्स की वजह से हमें लॉन्चर को ज्यादा पर्सनलाइज भी नहीं करना पड़ता विथ स्मॉल आप इस लॉन्चर को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर पाते हैं। ये लॉन्चर काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है एंड्रॉइड टीवी के लिए अभी के टाइम पर हमें गूगल के रिसेंट अपडेट के बाद से काफ़ी सारे टीवी में स्लो परफॉर्मेंस का इश्यू देखने को मिला था ऐसे में आप अपने टीवी पर इस लॉन्चर को ट्राई आउट कर सकते हैं ये लॉन्चर में हमें यू आई देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सि फील होती है इस लॉन्चर में हमें ईजी टू यूज इंटरफेस मिल जाता है जिससे हम आसानी से एप्स को होम स्क्रीन पर ऐड कर पाते हैं रिमोट पे बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करके हम ऐप्स को डायरेक्टली होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं साथ ही बैकग्राउंड पर्सनलाइजेशन के लिए हमें इसमें टेक्सचर, ड्रोन कैप्चर और एडिटोरियल जैसे काफी सारे वॉलपेपर को डाउनलोड करके बैकग्राउंड पे सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है इतना ही नहीं डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम बैकग्राउंड डिमिंग का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें हम वॉलपेपर को डार्क मीडियम और लाइट मोड पर आसानी से स्विच कर सकते हैं गाइस नेक्स्ट लॉन्चर इज इमो 10 UI. गैस वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर है एंड्रॉयड टी के लिए जिसमें हमें विकेट ऐड करने से लेके बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें होम स्क्रीन पर रैम और वेदर के लिए डेडिकेटेड विकेट मिलता है इस विकेट से हम रिलीज बटन प्रेस करके इंस्टेंटली अनयूज बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज कर पाते हैं ऑन टॉप साइड हमें क्विक एक्सेस के लिए सेटिंग वाईफाई और डेट टाइम चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स की बात करें तो हमें इसमें होम स्क्रीन पर फेवरेट ऐप्स तो ऐड करने के लिए मिलती ही है साथ ही हम रिमोट में डाउन बटन प्रेस करके इंस्टॉल्ड ऐप्स को एट अ ग्लास चेकआउट कर पाते हैं वट आई रियली लाइक इस कि ये लॉन्चर में हमें साइड लोडेड ऐप्स भी होम स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाती है सो so आप यदि साइड लोडेड ऐप्स को यूज़ करते हैं टी वी पर तेन ये लॉन्चर आपके काफ़ी काम आ सकता है कस्टमाइजेशन की बात करें तो हमें इस लॉन्चर में लाइव वॉलपेपर सेटअप करने का भी ऑप्शन मिलता है जिससे हम लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के बैकग्राउंड को भी चेंज कर पाते हैं गाइस ये वन ऑफ द लॉन्चर है जिसमें हमें लाइव वॉलपेपर को सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है अभी तक जितने भी लॉन्चर मैंने ट्राई आउट करे ये फीचर किसी भी लॉन्चर में अवेलेबल नहीं था इसी के साथ हमें डिफरेंट वॉलपेपर्स भी ट्राई आउट करने के लिए मिल जाते हैं जो हमें इंटरनल लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं साथ ही आप डिफरेंट वॉलपेपर पैक भी चेकआउट कर सकते हैं इन वॉलपेपर पैक में हमें डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स का एक कलेक्शन देखने को मिलता है जो 10 टू 20 मिनट में ऑटोमेटिकली हमारे बैकग्राउंड को चेंज करता है सिमिलर टू तो वॉलपेपर रोटेशन हम इसमें रियल टाइम वॉलपेपर भी पिक करके सेटअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू तो टाइम वॉल पेपर मॉर्निंग इवनिंग और नाइट टाइम पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं रियली थम्स अप फॉर दैट आप चाहें तो इसमें लैन और पेनड्राइव कनेक्ट करके किसी भी कस्टम वॉलपेपर को एज अ बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं सो so गाइज ये थे कुछ एंड्रॉयड टीवी के लॉन्चर्स जो आप अपने एंड्रॉयड टीवी पे ट्राई आउट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यदि आपको किसी भी लॉन्चर में इश्यू फेस करना पड़ता है देन आप डिस्क्रिप्शन से स्टेप बाय स्टेप गाइड की लिंक चेकआउट कर सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया एंड्रॉयड टीवी के लॉन्चर का देन आई वुड मस्ट रिकमेंड कि आप एंड्रॉयड टीवी के लिए ये दो वीडियो भी चेकआउट करें सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू कॉन ए लाइक इट थैंक्स फॉर वॉचिंग हिट लाइक सब्सक्राइब टू चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वन